जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, नमः शिवाय। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हे मां दुर्गा, सबका कल्याण करो। दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद या देवी भगवती के किसी भी स्तोत्र या पाठ करने के बाद अंत में साधक को दुर्गा क्षमा प्रार्थना का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके मंत्रों को पढ़ते हुए साधक को अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही साधना में जो कोई भी भूल हुई हो या जो भी कमी रह गई हो उसके लिए भी देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। साधक को चाहिए कि वह क्षमा प्रार्थना करते समय देवी भगवती मात के रूप में ध्यान करके साधना को सिद्ध करने के लिए विनती करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। कृपा पूर्वक मेरे सारे अपराध भूल चूक सबको क्षमा कीजिए। माँ परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो माँ। हे देवी श्रीश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आकर जगदम्ब में कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवगणों के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे के, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इसलिए इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण जो भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी परमेश्वरी, सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ जगदम्बे कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो।